मृगे स्मृता हरसि भी तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकाराय सदार्द्रचित्ता। जय मां विंध्यवासिनी आपकी जय हो। जी मां विंध्यवासिनी की जय हो और नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है, हमारे साथ मौजूद हैं आज के दिन को और शुभता प्रदान करने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवरात्रि की पूजा के 30 नियम नहीं जाने तो नहीं मिल पाएगा आपको कर्मों का फल और पूजा का पुण्य। देखिए नवरात्रि स्पेशल का चक्र जय माता दी। जी तो आज काल चक्र में पंडित जी आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। आज नवरात्र के इस स्पेशल एपिसोड में पंडित जी आपको नवरात्र के वो 30 खास नियम, जी 30 खास नियम बताने वाले हैं, जिन्हें अमल मिलाकर आप माँ दुर्गा की अपार कृपा और पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा नियम और सावधानियों को लेकर जरा कन्फ्यूज हैं तो आज का ये कालचक्र जरूर ध्यान से देखिए, हमारा नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी, क्योंकि आज आपके हर एक सवाल का जवाब पंडित जी अपने ज्ञान के जरिए विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही नवरात्र से जुड़ा आपका कोई भी स्पीच सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत होते ही फोन लाइन खुल चुकी है, आप पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 01206652411। क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में ही सही थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बताएं, किस उद्देश्य के साथ माँ की पूजा की जाती है, किनकी देवी मानी जाती है। देखो सही बात यह है, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई जी। जब उनका बाल्यकाल था जी। तो वो शैलपुत्री हिमालय के पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई, और जब वो 10 वर्ष के ऊपर हुई और अपने गुरुदेव नारद के कथनानुसार तप करने के लिए गई तो उस समय वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हुई। 12,000 वर्ष, हाँ उनके गुरु नारद जी, तो वो माता का स्वरूप नारद जी उनके गुरु। अरे नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भैया, नारद जी कोई साधारण थोड़ी भागवत हैं। अरे पार्वती जी तो नारद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हैं। अच्छा। हाँ एक बार की बात है, सती जी ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा भगवान से कि किस कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, तो भोलेनाथ ने बताया कि 5 कारणों से भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि नारद की तो बात सुनते ही वो चौकन्ना हो जाती हैं, क्योंकि नारद उनके गुरु हैं। नारद कहते हैं जउ तप करई कुमारी तुम्हारी भावी हूँ मेटि स कहीं त्रिपुरारी। तो कहने का आशय यह है कि नारद जी ने माता को बताया था कि आप कठिन से कठिन तप करके और भगवान शिव को पति के रूप में वरण करेंगी, जितना आपके हाथ की लकीरें हैं, जो आपके हाथ के लकीरों का संकेत है उससे पता लगता है कि जितने आपके पति में गुण दिखाई दे रहे हैं वो सारे गुण केवल महादेव में हैं और किसी में नहीं हैं। इसीलिए माता ने कठिन व्रत करके 12,000 वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। वही स्वरूप तपस्या का जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माने एकदम तपोमय जीवन, तपोमय जीवन, जिनका स्मरण करने मात्र से शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय में स्फुरण हो जाए, मन की निगेटिविटी समाप्त हो जाए, मन पवित्रता की तरफ आगे बढ़े, वो माँ ब्रह्मचारिणी हैं। ये सफ़ेद परिधान में रहती हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक श्वेत परिधान इनका होता है, और हाथ में कमंडल लिए रहती हैं और एकदम श्वेत परिधान
तपस्विनी के रूप में होती हैं। इस तरह से भाव करके जो लोग नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं, और ख़ास करके वो महिलाएं जो कुमारी अवस्था को पार करके अब मतलब कि स्त्रियोचित व्यवहार में आगे बढ़ रही हैं, अगर वो अगर वैवाहिक जीवन में नहीं हैं और इस व्रत का पालन करें और इस व्रत के महत्व को समझें, तो निश्चित रूप से उनका तेज, उनका आभा मंडल बढ़ेगा। पंडित जी, मैं ये अपना आज का जो हमारा 30 खास नियम आप बताने वाले हैं उस पर आऊं, उससे पहले एक चीज़ अभी आप जब बता रहे हैं तो मेरे जहन में आई, इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जब हम कुंवारी कन्याएं कन्या खिलाते हैं तो वो नन्ही कन्याएं ही क्यों होती हैं, छोटी क्यों होती हैं, 9-10 साल तक की ही कन्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि माँ के तो हर स्वरूप की पूजा की जाती है, माँ गौरी की भी पूजा की जाती है, फिर दशहरा के दिन भी माँ की पूजा होती है। तो ये क्रम जो है वो हर एक, चाहे वो युवावस्था हो, प्रौढ़वस्था हो या फिर बचपने का, हर अगर हर प्रकार की देवी की हम पूजा करते हैं, हर उम्र की देवी की पूजा करते हैं, तो वो जो कन्याएं बैठाई जाती हैं उनमें बड़ी कन्याएं क्यों नहीं होती 9-10 साल से ज़्यादा? वो इसलिए नहीं होती हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ आदिशक्ति जो है हर समय बाल्यावस्था में ही रहती है, और 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के ही पूजन का विधान है शास्त्रों में। 10 वर्ष की कन्या के बाद जब कन्या रजस्वला हो जाती है, ऋतु धर्म को पार करती है, तब उसके बाद मतलब कि जो है वो कन्या पूजनीय वंदनीय मतलब कि नवरात्रों में पूजनीय नव कन्याओं के रूप में नहीं होती है। इसके लिए देवी भागवत में शारदीय नवरात्र विधान के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नित्य एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, और अगर सामर्थ्य है तो नवरात्र के पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या, इस तरह से 9वें दिन 9 कन्याओं को बैठा करके भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। अच्छा। और हमारे यहाँ इन कन्याओं का भाग संपूर्ण रूप से इनको और मूर्ति में कोई अंतर नहीं माना जाता है। जैसे हम किसी मूर्ति के सामने श्रद्धावनत होते हैं, उसी तरह से इनको मूर्ति ही माना जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याएं मूर्ति के समान परम पवित्र हैं। इनका हाथ पड़ते ही सब प्रकार के अघ का नाश होता है। अच्छा। तो पहले तो यहाँ तक बताऊँ कि अब समाज है, संस्कृति और सभ्यता बदलती रहती है, और पहले छोटी कन्याओं का विवाह करने में ज़्यादा लोग मतलब कि पुण्य मानते थे, लेकिन अब देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी बातें बदली हैं। ये भी उचित है, आपका प्रश्न भी उचित है, क्योंकि हमारे यहाँ तो साफ कहा गया है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियाँ समस्ता सकला जगत्सु। लेकिन आशा इस बात का भी ध्यान दो ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब में भगवान है, ये बात तो सत्य है। चाहे वो मतलब कि विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनी चय सुपाके च पंडिता समदर्शिना, चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कौआ हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब में एक समान रूप से ईश्वर का भाव होता है। लेकिन अगर कोई दुराचारी आपके सामने आ जाए, उसके अंदर भी भगवान है, तो क्या आप उसे दंड नहीं देंगे? अच्छा, भीष्म पितामह जो है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं मतलब कि श्रीहरि को अस्त्र उठवा दूंगा, और श्रीहरि ने प्रण किया था कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे युद्ध में केवल रथ का संचालन करूँगा, कोई अस्त्र नहीं उठाऊँगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं श्रीहरि को अस्त्र उठवा दूंगा, हाँ, तो ऐसी तीखी बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म पितामह। किसके ऊपर कर रहे हैं ये भी देखो, अपने आराध्य देव के ऊपर कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण मजबूर होकर चक्र सुदर्शन लेकर के जब दौड़े हैं भीष्म पितामह की तरफ, तब भीष्म पितामह घुटने के बल बैठ कर कहे, बस प्रभु, मैं यही चाहता था कि आप अस्त्र उठा लें, आपने अस्त्र उठा लिया, मैं आपसे कब लड़ने लायक हूँ, मैं आपका तो शरणागत हूँ। तो कहने का मतलब भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपना नियम बदलते भी देखा है। तो यहाँ भक्त और भगवान का युद्ध कैसे हो गया? तो कहने का आशय यह है कि हम मानेंगे सब में ईश्वर हैं,
लेकिन अगर व्यवहार की बात आएगी तो व्यवहार हम व्यवहार के अनुरूप करेंगे, जो सबसे उचित हो, जो सबसे उचित। अब जैसे किसी कैदी में भी भगवान है तो भगवान, लेकिन अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा भी होगी। है भगवान उसके अंदर भी, लेकिन उसने मलिन किया है भाव को। तो कर्म ही प्रधान है, इस रूप में सामने वाले को भी देखा जाना चाहिए। अब आते हैं आज की हमारी खास चर्चा पर। नवरात्र स्पेशल काल चक्र है तो चर्चा का विषय भी बेहद खास है, क्योंकि आज हम पंडित जी से नवरात्र के वो नियम और सावधानियां जानेंगे जो हमारी पूजा को सफल बनाते हैं और बहुत जरूरी होते हैं पूजा सफल हो पाए इसके लिए। पूजा पाठ और कर्म के कुछ नियम होते हैं, और अगर नियमों को अपनाया जाए तो पूजा पाठ और आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज से शारदीय नवरात्र क्योंकि कल शुरू हुआ, तो ऐसे में सबसे पहले आज दूसरे दिन पंडित जी से नवरात्र के नियमों के बारे में आइए हम जान लेते हैं। पंडित जी, नवरात्र में कौन से नियम हैं जिनका खास ध्यान रखा जाना चाहिए अन्य दिनों की अपेक्षा? देखिए, ऐसा है कि इस बार का नवरात्र कुछ विलक्षण है भी। अच्छा। क्योंकि इस नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र से हुई है। देवी भागवत के शारदीय नवरात्र के क्रम में तृतीय स्कंध में लिखा हुआ है कि जो नवरात्र का शारदीय नवरात्र हस्त नक्षत्र से युक्त होकर के शुरू होता है वह अपने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस नवरात्र में पूजन अर्चन करते हैं भगवती उन्हें सद्य सफलता प्रदान करती हैं। तो इस बार का नवरात्र हस्त नक्षत्र में शुरू हुआ है, इसलिए ये दुर्गा साधकों के लिए परम वरदान की तरह साबित होगा। हाँ, एक कुछ बातें ऐसी हैं, देखिए कर्मकांड के लिए जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, घर में माँ दुर्गा की आप तीन मूर्तियाँ भूल करके भी नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा दो मूर्ति तक आप रख सकते हैं। और जिस कमरे में माँ दुर्गा की स्थापना आपने की है वहाँ सूरज की रोशनी और हवा जरूर आनी चाहिए। इसीलिए पूजा घर हर समय ईशान कोण में बनाया जाता है, पूरब और उत्तर दिशा में खिड़की रखी जाती है ताकि सूरज की रोशनी और हवा दोनों पर्याप्त मात्रा में पूजा घर में आ सके, और सूर्योदय होते ही सूरज की रोशनी पूजा घर में आए। इसीलिए जो वास्तुशास्त्र है वो यही कहता है कि हर समय पूजा स्थान ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। अपने घर में अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी नदी के किनारे भी आप पूजा कर सकते हैं। नदी के किनारे से भी ज़्यादा लाभ आपको किसी तीर्थ में पूजा करने से मिलेगा, और तीर्थ से भी ज़्यादा कई गुना लाभ आपको सिद्धपीठ में मिलेगा। अब ये सिद्धपीठ कहाँ है? जैसे विंध्यवासिनी का सिद्धपीठ विंध्याचल है, कामाख्या सिद्धपीठ है, वैष्णो देवी सिद्धपीठ है, कोल्हापुर करवीर निवासिनी माल महालक्ष्मी का सिद्धपीठ है, तुलजा भवानी का सिद्धपीठ है, माँ छिन्नमस्ता का सिद्धपीठ है, और आप समझ लीजिए कि माँ चिंतपूर्णी का सिद्धपीठ है, और माँ मनसा देवी का सिद्धपीठ है, और इधर आप आइए ज्वाला देवी का सिद्धपीठ है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से देवियों के जो सिद्धपीठ हैं वहाँ पाठ करने से, वहाँ पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की पूजा के समय संभव हो तो लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और लाल या गुलाबी रंग का ही तिलक महिला पुरुष दोनों को लगाना चाहिए। इससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी। 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करें, मुंह को साफ करें, और पूजा के आसन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, चाय भी नहीं पीना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए आसन पर बैठकर, केवल जल ग्रहण करने तक की छूट है। बाहर से कोई व्यक्ति चला आ रहा है उसका आपको स्पर्श तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो व्यक्ति हाथ पैर धो करके अपने आप को ठीक न कर ले, और आपको किसी व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो लोग माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से भी बचना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवत मार्ग में 5 चीज़ें बड़ी बाधक हैं।
विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। अगर आप विषय भोग का चिंतन करेंगे, अगर आप ज़्यादा सोएंगे, अगर आप ज़्यादा हंसेंगे, अगर आप संसार से बहुत ज़्यादा प्रीत करेंगे और यदि आप बहुबात करेंगे, तो ये पांचों चीज़ें भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। साधना के पथ पर ये पांचों नहीं सुहात। तो अगर आप साधना के पथ पर हैं तो आप कोशिश करिए, कम से कम लोगों को फ़ोन लगाइए, कम से कम लोगों का फ़ोन अटेंड करिए, कम से कम लोगों में मतलब कि अपना अनुराग बढ़ाइए, अपने को तन्मय करिए, अंतर्मुख करिए, अपने को अंतर्मुख करिए और अंतर्मुख करके केवल भगवती के श्री चरणों में अपने मनोवृत्ति को लगाइए। उन्हीं की लीला पढ़िए, उन्हीं की कथा पढ़िए, देवी भागवत का हो सके तो पारायण करिए, दुर्गा सप्तशती का हो सके तो संपूर्ण पाठ करिए। इससे कल्याण होगा। माँ के चरित्र को सुन करके आनंदित होइए, माँ के यश और वैभव को सुन करके प्रसन्न होइए, ये सब करिए, इससे आपकी साधना सफल होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की आप पूजा करें? क्या महिलाएं बाल खुले रखकर, बाल जब धो लेती हैं अक्सर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, तो क्या बाल खुले रखकर माँ का पूजन किया जा सकता है? क्या नवरात्र रखने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोए, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं? आइए जान लेते हैं क्या कहा गया है पंडित जी शास्त्रों में इसको लेकर के। देखो, शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि नवरात्र व्रत करने वाले को भूमि शयन करना चाहिए। अच्छा। लेकिन हकीकत ये है आशा कि जिस जमाने में ये शास्त्र बने थे ना, उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था नहीं थी तो लोग ज़मीन पे सो लेते थे, और ज़मीन पे इसलिए सो लेते थे कि ज़मीन मिट्टी की होती थी, उस पे गाय के गोबर से लेप होता था, किसी प्रकार का फंगस जीवाणु गाय के गोबर से लेप करने के बाद नहीं होता था। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज ज़मीन की फर्श तो कहीं आपको मिलेगी ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी वहाँ सीमेंटेड फर्श या मार्बल या टाइल से ही मिलेगा। तो इस ज़मीन पे सोने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लकड़ी की चौकी पर सो सकते हैं। अच्छा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। एक बार 2004 में हम सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन माता ने मुझे निमित्त बनाया था, हो रहा था, तो मेरे पिताजी आए तो उन्होंने देखा बहुत बढ़िया यज्ञ मंडप बना था, और बगल में एक हमने अपने रहने के लिए झोपड़ी भी बनवाई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किस लिए बना है? पिताजी ने हमसे पूछा, ये किस लिए बना है? हमने कहा ये मैंने अपने रहने के लिए बनाया है। कहने, अच्छा अब तुम इसमें रहोगे? हमने कहा हाँ, अब तो मैं इसमें 9 दिन रहना चाहता हूँ। कहने, ऐसा है, उनके शब्द बता रहा हूँ, जिस पुरुष का सम्मान बढ़ जाता है और जो स्त्री बहुत सुंदर हो जाती है और चरित्रवान हो जाती है, उसको देख करके अनायास ही दुष्टों की आँख फूटती है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे मतलब कि नाम को सुन करके कितने लोगों को जलन हो रही होगी, और कोई एक माचिस की तीली लगा देगा तो हवन के पहले तुम ही हवन हो जाओगे। कहन, ये सरपत का मंडप बनाने की उस समय परंपरा थी जब लोगों के पास इतना धन वैभव नहीं था कि लोग पक्के मतलब कि जो है यज्ञशाला बनवा सकें। सरपत और बांस सुविधा से उपलब्ध होता था, इसलिए उसका यज्ञ मंडप बनाया जाता था। आज अगर आप यज्ञ मंडप पक्का भी बना रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। अच्छा। और जब भगवान ने आपको रहने के लिए कमरा दिया है, रूम दिया है, तो आप इसमें क्यों रहेंगे? ये कौन सा मापदंड है? युग धर्म के अनुसार से सारी बातें और सारी मान्यताएं बदलती हैं। उनकी बात समझ में आ गई। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है पंडित जी। हाँ, उनकी बात समझ में आ गई और मैंने उसमें मतलब कि जो है दिन भर में बैठता था, शाम को अपने कमरे में आकर के सोता था। क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर आपकी 100 लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो 10 लोग ऐसे हैं जो आपकी कट्टर निंदा भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, स्वयं, कोई शंका नहीं है।
और शिशुपाल उनके मुंह पे गालियां दे रहा है और एक दो गाली नहीं दे रहा है, वो चुप हैं, तब भी उसने 100 गालियां दिया और 100 गाली देने के बाद तब उन्होंने चक्र सुदर्शन को भेजा और तब शिशुपाल का गर्दन कटा। तो जब भगवान को गाली लोग दे सकते हैं तो कौन बचा, तो कौन बचेगा भाई? अगर 100 लोग कहेंगे कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं तो 10 लोग कहेंगे कि महापाखंडी है। आप इसके लिए भी तैयार रहिए, इसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि पिताजी हमारे कहा करते थे कि कभी मतलब कि जो है कोई सम्मानित पुरुष और नवयौवना स्त्री ये दुष्टों के निगाह में ये बहुत खटकते हैं। दुष्टों के अगर चले तो युवती के चेहरे पर तेजाब डालें और पुरुष को सीधा जलाएं, इन्हें बहुत जलन होती है। तो इसलिए इस चीज से भी बचना चाहिए। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा, ईश्वर को प्राप्त महात्मा, उनके अंदर भी दोष दर्शन देखने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी दोष दर्शन देखने वाले लोग हैं, जिनका कर्म ही है दोष दर्शन देखना। कहते हैं ना कि खलह सरसप मात्राणी परछिद्राणी पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्यप्न पश्यति। नीति का एक श्लोक है कि दुष्ट जो दुराचारी होते हैं ये दूसरों के सरसों के बराबर छेद को देख करके और उसी का मतलब कि पूरा वर्णन करते हैं बुराई का, और अपना बिल की तरह बड़ा सा भी जो है गंदगी देखते हुए उसको नहीं देखते हैं। खलह सरसप मात्राणी परछिद्राणी पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्न अपना पश्यति। तो भैया माँ दुर्गा की पूजा सूखे कपड़े पहनकर ही करना चाहिए, गीले कपड़े पहनकर कभी माँ दुर्गा की उपासना नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में महिलाएं बाल खोलकर या गीले बालों में माँ दुर्गा की पूजा ना करें। नवरात्रि में हवन पूजन और जप करते समय भी महिलाएं अपने बाल खुले ना रखें। नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने वालों और व्रत रखने वालों को जमीन पर ही सोना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास तख्त है तो आपको तख्त पर ही सोना चाहिए। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि जो आपका अगर आप पूजा घर में सो रहे हैं तो आपके मंदिर की ऊंचाई आपके चौकी से ऊपर होनी चाहिए, और परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति का दिया हुआ कोई सामान न तो आपको ग्रहण करना चाहिए न प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत करने वाले के ये लिए निषेध है, जो भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं उनको सौंच के बाद कपड़े बदलने चाहिए। मल मूत्र त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए और हर समय शुचिता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बता दूं, आप चाहे शुद्ध हों या अशुद्ध हों, अगर आप अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का 1 सेकंड के लिए ध्यान कर लें, हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। पुंडरीकाक्ष किसको कहते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु ही पुंडरीकाक्ष हैं। तो अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बनमाला पहन करके और भगवान श्री हरि विष्णु यदि आपके हृदय में विराजमान हैं तो आप विश्वास करिए भीतर बाहर से आप पवित्र हैं, आपको किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये शरीर तो मल मूत्र की फैक्ट्री है, इस शरीर में हर समय मल मूत्र का उत्पादन होता रहता है, एक क्षण के लिए भी ये कार्य बंद नहीं होता है, तो ये शरीर कैसे पवित्र हो सकती है? तो इस शरीर को पवित्रता का मात्र एक कारण है कि आप श्रीहरि का ध्यान करिए, और श्रीहरि का ध्यान करते ही आप बाहर और भीतर से पवित्र हो जाएंगे। आपको अपने मन में ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं इस समय अपवित्र हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं परम पवित्र हूँ, मैं भगवान के योग्य हूँ, मैं भगवान की उपासना करने के लायक हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में ये बड़ी गलतफहमी आज के ज़माने में हो रही है, अरे इसने तो मेरा गेट का हैंडल छू लिया, अब गेट का हैंडल धोना है, इस सोफे पे बैठ गए तो सोफ़ा धोना है, ये टेबल पे खा लिए तो टेबल का चादर बदलना है। मतलब एक रोग है, ये छुआछूत का रोग है, ये एक प्रकार का रोग है। जिनके घरों में इस तरह किसी महिला को रोग हो गया है
या किसी पुरुष को हो गया है, उस घर के लोग कितना परेशान हैं। दिन भर वो बाथरूम का पानी ही चालू करके बैठे रहते हैं, एक बार नहाते हैं फिर निकल के आते हैं फिर नहाते हैं, ये एक बीमारी भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि जो मनोरोगी करते हों, वो ऐसी कोई हरकत ना करिए जो मनोरोगी करते हों, ऐसा मत करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे साथ पंडित जी एक कॉलर है इस वक्त कोलकाता से, आप अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्लीज प्रश्न पूछिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी भैया। हम कलकत्ता से बोल रहे हैं, मेरा क्या नाम है आपका? सुरजीत दास। क्या? सुरजीत दास। सुरजीत दास। अच्छा हाँ बताइए। 17/5/1962 मेरा जन्म तिथि है, जन्म स्थान है नदिया जी। पंडित जी अभी हम एकदम चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, कुछ उपाय हमारा हो नहीं रहा है, कहाँ पे जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हमसे वो जगह ले लिया गया, तो अभी हम क्या करें, हमको कुछ सुझाव नहीं दे रहा। देखिए आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि, शनि मंगल की पंचम नवम स्थिति है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिवाली तक आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा, आपको दिवाली तक कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। इन 9 दिनों में खूब मन लगा करके भगवान देवी की उपासना करिए, और अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो दुर्गा पूजन उत्सव कलकत्ता में विशेष रूप से पूरे भारत में सबसे अच्छा दुर्गा पूजन अगर कहीं का होता है तो बंगाल का ही होता है, वहाँ आप किसी दुर्गा पूजन में आप अपना शारीरिक और आर्थिक जो भी बन सकता है सहयोग दीजिए और 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहिए, उसके बाद माता आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगी। वैसे भी आप देखिए तो 63 साल के हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा आपको लालच या बहुत ज़्यादा आपको कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, अब आपको आगे के टिकट के लिए भी सोचना चाहिए और यहाँ काम करते हुए आगे के रास्ते के लिए भी कुछ भजन कीर्तन करना चाहिए, कुछ भजन सेवा करना चाहिए, कुछ भगवान को समर्पित जीवन करना चाहिए। बहुत हो गया, 63 साल तक जिंदगी अगर लड़ करके देख लिया तो आगे भी लड़ करके वही रिजल्ट निकलने वाला है जो अभी तक निकला है, इसलिए हाँ योग क्षेम के लिए काम करिए, सफलता मिलेगी जो मुझे दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ा भागवतिक भगवान की तरफ भी अपना चिंतन बढ़ाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि रोजाना माँ की विशेष रूप से पूजा होती है, माँ को सबसे ज्यादा कौन सा भोग प्रिय है, उनको क्या भोग लगाया जाए, जैसे मखाने की खीर बना लेते हैं लोग या प्रसाद में रसगुल्ला गुलाब जामुन ये चीजें चढ़ाते हैं, क्या सबसे उत्तम क्या हो, या चावल की खीर क्या चढ़ाया जाए? एक बात समझो जी, जिसने पूरे संसार की हर वस्तुओं को प्रकट किया है, जिसकी कृपा से संसार की सारी वस्तुएं हैं, जिसकी कृपा से श्री हरि विष्णु भी सम्मानित होते हैं, जिसकी कृपा से ब्रह्मदेव और शिव सम्मान पाते हैं, उसको किसी भोग की आवश्यकता है? उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है? वो किसी वस्तु में प्रेम करती है? वो किसी वस्तु को पा करके खुश होती है? अरे वो तो केवल भाव की भूखी है। हृदय से भाव हो और अगर इतना छोटा सा गुड़ का भेली लेकर के और आप उसके सामने बैठ जाइए तो यही गुड़ को स्वीकार करके कृतकृत्य हो जाएगी और तीनों लोग कृतकृत्य हो जाएगा। ये तो बात सही है पंडित जी, लेकिन जैसे आप बताते हैं ना, जैसे हम जानते हैं कि श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद है, हाँ। जैसे हम जानते हैं कि माखन कान्हा को बहुत पसंद, हाँ। है, वैसे ही माता को क्या प्रिय? इनको है? कुछ नहीं प्रिय है, इनको सब कुछ जो भाव से दिया जाए वही इनको प्रिय है, इनके लिए कुछ प्रिय नहीं है कि यही इनको आवश्यक है, इनके लिए सब प्रिय है, केवल भाव से इनको दिया जाए सब कुछ इनको प्रिय है। दक्षिण मार्गी लोग इनको सात्विक पत्र पुष्प से पूजा करते हैं, वाम मार्गी लोग बलिदान देकर के इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, और दक्षिण मार्गी लोग केवल मतलब पत्र पुष्प से सात्विक पूजा करते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि माँ को ये पसंद है ये नहीं पसंद है, आपकी जो रुचि हो आप उनको श्रद्धा से जो समर्पित करेंगी वो निश्चित रूप से वो स्वीकार करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शंकराचार्य क्या लिखते हैं उनको खुश करने के लिए, ये जरा ध्यान देने की बात है। आदि शंकराचार्य ने कहा है,
जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन स पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये भोग शायद लाखों में एक आक लोग लगाते होंगे, और आप अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आप भी सोच के देख लीजिएगा, कभी आपने नहीं लगाया होगा तो आप अब लगाइएगा मेरी बात सुन करके। क्या जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम, चावल वो भी बासमती वाला जो सुगंधित होता है, उसको हींग जीरा और देसी घी से छौंक दिया जाए, सुवासित हो जाए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, साल्योदन साल्य कहते हैं चावल को, साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि, हींग काली मिर्च और जीरा इन तीन चीज़ों को देसी घी के साथ छौंक लगा दीजिए, कहाँ चावल में। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजने पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम। और एक चांदी की थाली में एक कोने में चावल रख दीजिए, एक कटोरी में शहद रख दीजिए, एक कटोरी में बढ़िया दही रख दीजिए, एक कटोरी में गाय का पिघला हुआ घी रख दीजिए, और एक चम्मच रख दीजिए, ठीक है, और एक चांदी के गिलास में पानी रख दीजिए। ये माता के लिए सर्वोत्तम भोग प्रसाद है, और इस प्रसाद को फिर आधे घंटे बाद उठा करके संपूर्ण परिवार के लोगों में वितरण कर देना चाहिए। यह प्रसाद महाअमृत बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग या तो मिठाई चढ़ाते हैं, या तो केला चढ़ाते हैं, या तो सेब चढ़ाते हैं, या तो अनार चढ़ाते हैं, यही सब चीज़ें लोग चढ़ाते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं चढ़ाया होगा आपने, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर बढ़िया भगवान ने विधान दिया है, चांदी की थाली है, चांदी की कटोरियाँ हैं, चांदी का चम्मच है, तो खूब बढ़िया बासमती का चावल ला करके और उसे पका करके उसको अच्छे से छौंक लगा करके सुंदर कढ़ी बना करके शहद और घी रख करके और चांदी के चम्मच से माँ के सामने नैवेद्य निवेदित करिए, फिर देखिए। ये नैवेद्य अगर आप निवेदित करना शुरू करिए और पूरे भक्ति भाव से, तो आपको भी आनंद आएगा। माता तो सदैव संतुष्ट रहती हैं, उनके तो असंतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं। एक छोटा सा जल्दी से पंडित जी इस पर जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक का वक्त हो चाहे, भोग कितनी देर रखा जाना चाहिए ईश्वर के सामने? कम से कम 24 मिनट। 24 मिनट तक तो माता के सामने प्रसाद रहना चाहिए, 24 मिनट, और उसके बाद में भोग के बाद तुरंत चांदी के गिलास में जल रखना चाहिए, सुवासित जल। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये पांच वायु तत्व जो हैं, पांच प्रकार के वायु जो हैं, इनका नाम लेते हुए और मतलब कि आचमन की जाती है, वो जल ग्रहण कराया जाता है। अच्छा, इससे दोष तो नहीं लगता पंडित जी कि भोग लगा हुआ है? कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप उनको नहीं मना कर सकते, वो आएंगे और उसी बीच वो उठा लेंगे वहां से। कोई दोष नहीं लगता है, माँ उसी बच्चे के अंदर है, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है, इससे बढ़िया क्या, माँ साक्षात स्वीकार करना चाहती है। अच्छा, अब जैसे मैं कभी भोजन करने बैठता हूँ तो एक मेरी पोती है 2.5 साल की, और जब तक मैं हाथ में जल लेकर के भगवान को याद करता हूँ भोग लगाने के लिए, तब तक वो पापड़ तोड़ के अपने मुंह में डाल लेती है। ये हर घर में होता है। तब मैं सोचता हूँ कि साक्षात भगवान आकर के खुद ही प्रसाद पा रहे हैं, ठीक है, तो तब भी मैं भोग लगाता हूँ, मेरे मन में ये शंका नहीं होता कि ये झूठा हो गया, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है, उसके अंदर ही भगवान है, वो स्वयं साक्षात पा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये अशुद्धि में नहीं आना चाहिए। जय माता दी में। और चलिए अपनी आज की इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं नवरात्र के कुछ और खास नियमों की। पूजा के दौरान जम्हाई आना, छींक या फिर खांसी आ जाए तो क्या करें? घर में अखंड दीप प्रज्वलित किया है तो किन बातों का ध्यान रखना है? नवरात्र में कैसा आहार लें? किन चीजों का सेवन भूल कर के भी नहीं करना चाहिए? आइए ये तमाम चीजें भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये भी नियमों में शामिल है तो इसी से शुरुआत कीजिए, खांसी छींक अगर ऐसे आ जाए तो। देखो, पूजा करते या मंत्र जप करते समय अगर जम्हाई आने लगे,
छींक या खांसी आ जाए तो रुक करके 3 बार आचमन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में जल गिराना चाहिए, ओम एं आत्म तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ये कहते हुए 3 बार जल का आचमन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपने पूजा पाठ को शुरू करें। अब ये मंत्र तो आएगा नहीं पंडित जी फिर? हाँ, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आचमन ही कर लीजिए, ये मंत्र आएगा। अगर ये भी नहीं आता है हाँ, तो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, जहाँ कुछ आपको न आए वहाँ भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए, सब पूरा, हाथी के पाँव में सबके पाँव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नवरात्रि के व्रत में किसी से सिर पैर दबवाना या अपनी सेवा करवाना निषेध है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकते हैं। नवरात्र में घर में अखंड दीपक जलाया जाता है तो घर में ताला नहीं लगना चाहिए। कोई न कोई सदस्य घर में हमेशा 24 घंटे रहे, इसका ध्यान रखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा और तुलसी, आंवला और मंदार के फूल कभी भूल करके भी अर्पित न करें। सुन लिया ना? हाँ, दुर्वा, तुलसी, मदार, आंवला, ये सब अर्पित न करें। आंवले का एक जगह उपयोग होता है माता को, आपको बताऊं। जब आप मानस पूजा करते हैं तो उस मानस पूजा में सूखे हुए आंवले का चूर्ण जो है वो ले जा करके सोने की थाल में देव कन्याएं माता को अर्पित करती हैं और कहती हैं कि हे देवी, इसे आप अपने बालों में लगा करके कंघी कर लीजिए और उसके बाद गंगा जी में स्नान करिए। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। यहाँ आंवले के फल को धात्री फल कहा गया है, आंवले का नाम धात्री फल भी है। तो आंवले का चूर्ण और हाथी दांत के कंघी से माँ अपने बालों को ठीक करके फिर गंगा स्नान करें और गंगा स्नान करने के बाद माता को पूरे शरीर में मलयागिर चंदन और केसर का लेप करना चाहिए और उसके बाद मन में कल्पना करनी चाहिए कि 10-10, 11-11 साल की कन्याएं गौर वर्ण की एकदम तेजस्विनी अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए अपने हाथ में रेशमी केसर से रंगा हुआ सुंदर साड़ी का पूरा परिवेश लेकर के और खड़ी हैं माता के सामने। माता उसमें से किसी के एक हाथ में से वस्त्र लेकर के और उसको धारण कर लेती हैं। वस्त्र कैसे धारण करनी है ये नहीं आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे वस्त्र लेते ही उन्होंने धारण कर लिया, ये सोचेंगे। गंधर्वामर किन्नर प्रयत्मा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारय घृयमाण मुत्तमुतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत्कांति प्रदानोज्ज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनो तु असनम श्री सुंदरी त्वन्मुदे। माता ये जब धारण कर लेती हैं, वस्त्र धारण कर लेती हैं, तब इसके बाद उन्हें आभूषण भी धारण कराया जाता है। स्वर्णाकल्पित कुंडले, उनके कानों में सुंदर सोने के कुंडल विराजमान हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, और उनके हाथ के दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में एक ऐसी मणि युक्त अंगूठी है जिसके प्रकाश से पूरा प्रकाश फैल रहा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के, और अपने कमर में उन्होंने सोने की करधनी बांधी हुई है और गले में सोने का और रत्नों से विभूषित हार है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीरम अघ्रिद्वय, दोनों पैरों में सोने के पायल हैं। हारो वक्षस कंकड़ोत्कोणतरणकारो कर द्वंद के, और दोनों हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन रत्नों से जड़े हुए
माता के दोनों हाथों में विराजमान है। तो इस तरह से रणत्कारों कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम, और उनके सर पर दिव्य आभामय सोने का मुकुट विराजमान है। ऐसी माता है, इनका आप ध्यान करते हैं। इस तरह से जब आप रोज माता का ध्यान करेंगे तो ये माता का दिव्य स्वरूप आपके शरीर में, आपके हृदय में जब विराजमान हो जाएगा तो माता की शक्ति का संचार आपके शरीर में होता रहेगा और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी और हर प्रकार के दोष और दुर्गुणों से आपको माता बचाएगी। हाँ, नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ, दुर्गा कवच, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। और क्यों नवरात्र में, मैं तो कहता हूँ 12 महीने जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दुर्गा दिव्या कवच का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे और सभी स्त्रियों में देवी भाव रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाई बहनों के साथ विश्वासघात न करे और सात्विक आहार का भोजन करे और अपने चरित्र को ठीक रखे, मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस धरती पर इस कलयुग में भी कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ऐसा व्यक्ति जिस चीज की कल्पना करेगा वो चीज उसके सामने आकर के प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपको अपना आहार, आचार, विचार, चरित्र, माता पिता के प्रति सम्मान, भाई बहनों के प्रति उत्तरदायित्व, पत्नी के प्रति उत्तरदायित्व, संतान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, गुरुजनों का, साधु संतों का सम्मान करना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में देवी को देखते हैं और सामान्य महिलाओं में आपका भाव दूषित है तो आपकी ये पूजा उस तरह से बेकार है जैसे कोई राख में हवन करता है। फिर आपकी पूजा में कोई दम नहीं है और ना आपकी पूजा फलीभूत होने वाली है। सात्विक आहार लेना चाहिए, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के भोजन में मसालों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। आपका भोजन जितना हल्का और सुपाच्य होगा उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्र के दिनों में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब नवरात्र से जुड़े और कौन से महत्वपूर्ण नियम है वो भी आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जो लोग पंडित जी 9 दिनों तक नियमतः माँ की अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर ही कौन से नियम लागू हो जाते हैं? उनके ऊपर नियम ये लागू होता है कि उन्हें 4 बजे भोर में उठ जाना चाहिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः सूर्य को अर्घ देना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र करना चाहिए, पूजा घर की सफाई करके देवियों को निर्माल्य करना चाहिए, जो पुराने माला चढ़ाए हुए हैं उनको उतारना चाहिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके अगर दुर्गा प्रतिमा या श्री यंत्र है तो उसका श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से धो पोंछ करके मूर्ति या प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चंदन, ये सब वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। धूप जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, पीतल की प्लेट में उनके लिए भोग प्रसाद की सामग्री, काजू, किशमिश, मिश्री, मेवा, फल, मिठाई, ये सब रख करके भोग लगाना चाहिए। पान का बीड़ा, उसमें लौंग की कली चुभो करके किसी प्लेट में रख करके माता को उसको भी समर्पण करना चाहिए और फिर उसके बाद आचमन के लिए जल रखना चाहिए। उसके बाद में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए कपूर से आरती करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, किताब को हाथ में लेकर के दोनों हाथ में पाठ नहीं करना चाहिए, किताब को किसी आसन पर ही रख करके पाठ करना चाहिए, पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, पाठ करते समय कांपना नहीं चाहिए, पाठ करते समय हर समय एक स्थिति में रहना चाहिए, तो इससे सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। उनको अपने घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए, कलेश से दूर रहना चाहिए, झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा न कहें, नहीं तो आपके 9 दिन की तपस्या का फल मिट जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए,
माँ दुर्गा के मंत्र का हर रोज एक नियमित संख्या में जप करना चाहिए। कभी ज़्यादा तो कभी कम मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। किसी भी सात्विक खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले उसे माँ दुर्गा या अपने आराध्य देव को समर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। बाजार से लाई हुई माला को शुद्ध करने के लिए उस पर मंत्र जप तत्काल नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। ओम अक्षमालाधिपताये नमः, ओम अक्षमालाधिपताये नमः, तो मतलब इस तरह से बोलते हुए रुद्राक्ष की पूजा करके, रुद्राक्ष की प्रार्थना करके, तब उसे जप के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछनी हूँ, और क्योंकि ब्रेक पर जाना है इसलिए संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। वो तुलसी जिनके बिना जो भगवान विष्णु को भोग लगता है वो अधूरा माना जाता है, पूर्ण नहीं होता, वही तुलसी आपने अभी अभी बताया निषेध है उस तुलसी का उपयोग जब आप माता की पूजा करें, ये क्यों है? मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह चरित अनुपा। एक म्यान में दो तलवार रहती है? नहीं। अच्छा। ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती ना, देवियों में भी? क्यों, देवियों का स्वभाव कुछ दूसरा हो जाएगा? तुलसी से शालिग्राम का विवाह होता है और जगत जननी जगदम्बा भगवान शिव के सानिध्य में रहती है, समझ रही हो? तो जब शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती है तो माता पार्वती के स्वरूप को तुलसी कैसे चढ़ेगी? भगवान शिव तो लय के देवता है ना, उन्हें तो हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिकपट धरो, चिता भस्म लगाई जाती है। जब उन्हीं को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती तो माँ कैसे तुलसी स्वीकार करेंगे? तो ये पाप पुण्य से लेना देना नहीं है बल्कि एकदम निषेध है। निषेध, देवी की कृपा नहीं मिलेगी इस तरीके से। जय माता दी में मंत्र जाप और नवरात्र में माँ अम्बे की पूजा करने के लिए कैसे आसन का प्रयोग करें, माँ को हर दिन क्या भोग लगाएं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी आज तो आपने सर्वोत्तम भोग बता दिया, एक बार फिर उसका छोटे में ही सही जिक्र कर दीजिएगा, वो सर्वोत्तम भोग। और दूसरा आसन, किस प्रकार का आसन होना चाहिए, कोई कपड़ा बिछाया जा सकता है साफ स्वच्छ सुंदर, उस पर भी वो आसन माना जाएगा, ऐसा है? नहीं, कभी भी कपड़े के आसन पे बैठने से भयंकर दरिद्रता आती है। हर समय ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए और दुर्गा साधक को कभी काले नीले रंग के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आसन सर्वश्रेष्ठ तो कुसा का होता है, लेकिन कुसा का आसन ब्रह्मचारियों के लिए होता है, गृहस्थों के लिए नहीं। कुसा का आसन एकनिष्ठ ब्रह्मचारियों के लिए होता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत मार्ग में समर्पित कर दिया है, जिन्हें अब इस दुनिया से कोई लेने देने की मतलब नहीं है, उन्हें कुसासन पर बैठना चाहिए। और बाकी जो गृहस्थ में हैं, जिन्हें परिवार चलाना है, जिन्हें परिवार में रहना है, जिन्हें माता पिता की सेवा करनी है, उन सबको ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। ऊनी और कपड़े में क्या अंतर हो गया? बहुत अंतर है, कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता, ऊन कभी अशुद्ध नहीं होता। कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता, ऊन कभी अशुद्ध नहीं होता। शुद्ध क्यों नहीं होता? शुद्ध कपड़ा कभी शुद्ध नहीं होता है, ये उसकी बनावट ऐसी है। ऊन कभी अशुद्ध नहीं होता है, ऐसा माना? हाँ, ऊन किसी न किसी जीव का बाल है, उन किसी न किसी जीव का बाल है, वो सृष्टि के द्वारा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। और कपड़ा जो है वो खेत में पैदा हुई रुई से बनता है, वो प्रकृति द्वारा पैदा किया गया है, वो ईश्वर द्वारा पैदा नहीं किया गया है। इसलिए कपास पृथ्वी से पैदा होता है, वो नश्वर है। और वो चाहे मतलब कि खरगोश का मतलब कि बाल हो, चाहे भेड़ का बाल हो, ये सब बाल जो है ये भगवान पैदा करते हैं जीव को, और उससे जो ऊन बनता है सदा सर्वदा पवित्र माना जाता है। इसलिए जैसे आपने मतलब कि राधा कृष्ण का विग्रह रखा है और आप उनको पालने में सुलाते हैं, आप उनको शयन लगाते हैं, तो आप एक कंबल जो रखेंगे वो नित्य आप उनको जाड़े के दिनों में ओढ़ा सकते हैं, रोज़ वो कंबल आपको धोने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो उन्हें आप वस्त्र धारण कराएंगे, जो उन्हें आप पीताम्बर धारण कराएंगे, वो तो नित्य आपको बदलना पड़ेगा और नित्य उसको आपको धोना पड़ेगा, धो करके उसको साफ़ सुथरा करके ही फिर आप उनको धारण करवा सकते हैं।
वस्त्र एक ही दिन में गंदा हो जाता है, लेकिन ऊनी परिवेश जो है नहीं गंदा होता एक दिन में। तो इसलिए ऊनी आसन ही होना चाहिए। अच्छा। मंत्र जप या पूजा में बैठने के लिए ऊनी या कंबल के आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ दुर्गा को नवरात्रि के हर दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद शहद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, इससे शरीर और आत्मा को बल मिलता है। नवरात्र के नौवें दिन माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप किताब वाद्य यंत्र या कलम की भी पूजा करनी चाहिए और पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो जरा सा दुर्गा सप्तशती पर पानी और चंदन छिड़क दीजिए और एक फूल हल्का सा हल्दी और अक्षत लेकर के किताब पर रख करके प्रार्थना कर लीजिए। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्ताम। हाँ, सप्तशती की पूजा बहुत अनिवार्य है, अगर आप पाठ करें या ना करें, लेकिन आपके पूजा स्थान में जैसे दुर्गा की मूर्ति और कलश है वैसे सप्तशती की पुस्तक भी होनी चाहिए। इसके दर्शन मात्र से अघनष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और ये बात पंडित जी आपने कल भी बताई थी, ये बात आपको फिर पंडित जी ने आज भी बताई है, इसलिए अगर नहीं है दुर्गा सप्तशती जाइए इसी नवरात्र, ये पुण्य काम कीजिए, अपने घर में लाके उस पुस्तक को रखिए, उसकी पूजा करिए। नवरात्र में हम सभी को माँ दुर्गा की आरती कैसे करनी चाहिए, आरती करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और आरती करने से हमें क्या लाभ होता है, ये आइए जान लेते हैं। पंडित जी, बिना आरती अगर आप छोटी भी पूजा कर रहे हैं नवरात्र में, खासकर माँ की, बिना आरती से संपन्न नहीं माना जाएगा, और इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं? बिना आरती के पूजा अधूरी ही रहती है, चाहे कोई पूजा हो। रोजाना आरती हर पूजा में होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, रोज होना चाहिए। अब आरती के साथ घंटी भी बजनी चाहिए, शंख भी बजना चाहिए। जो लोग ये नहीं कहते हैं कि शंख नहीं घर में बजाना चाहिए, महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, घंटी नहीं बजाना चाहिए, भगवान करें कि उनके मुँह को सद्बुद्धि दें। उत्तर स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है तो देवी देवता उस पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्रि में हर रोज सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आरती करने से हर तरह के दोष और पाप समाप्त होते हैं। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को 14 बार आरती दिखानी चाहिए, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर और 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियाँ विषम संख्या में ही होनी चाहिए, जैसे 5, 7 या 9। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 चीज़ें क्या है? एक तो दीपक, एक छोटी सी तांबे की लोटिया में गंगा जल और एक छोटा सा शंख, एक साफ कपड़ा और एक आम या पीपल का पत्ता। तो माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, कान, नाक, मुख पर स्पर्श कराएं। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विशेष अंक नवरात्र स्पेशल कालचक्र दूसरे दिन का बहुत पसंद आया होगा और माँ हमें भक्ति प्रदान करें इसी कामना के साथ। नथेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की खूबसूरत चर्चा के लिए, और कल फिर एक अन्य विषय लेकर, लेकिन माँ की कृपा कैसे मिले इसका पूरा ध्यान रखते हुए कालचक्र की टीम एक विशेष अंक लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित होगी। और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।